व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल ट्विंस मामा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नौवें महीने में जब एक महिला पहुंच जाती है गर्भावस्था के, क्यों उस दौरान बच्चे का मूवमेंट वो कम फील करने लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं काफ़ी चिंतित हो जाती हैं जैसे ही वो 8.5 या 9 महीने के उस स्तर में पहुंच जाती है गर्भावस्था के। उनको ऐसा लगने लगता है कि क्या हो गया, मेरे बच्चे का मूवमेंट मुझे कम फील क्यों हो रहा है, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि इस दौरान नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी होते हैं गर्भवती महिला के मन। सो आज इसी सवाल का जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस वीडियो से मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करूँ आपको तुरंत ही इसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के आसपास ये बेबी का मूवमेंट कम क्यों हो जाता है। सो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कब से मूवमेंट स्टार्ट होता है, किस तरीके से बेबी मूवमेंट होता है, किस तरीके से आपको किक काउंट करना चाहिए, इसकी अहमियत क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए कि बेबी के मूवमेंट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है आपकी प्रेगनेंसी के इस सफर में। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगी। 7वें महीने के आसपास से माँ को अच्छे से भली भांति अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके का रूटीन है उनके बेबी का। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है, और जब भी माँ कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट करती है या कुछ खाना खाती है, बेबी मूव करता है, तो एक अंदाजा माँ को बहुत अच्छे से होता है। अगर आप भी एक महिला हैं जो 7वें महीने से गुजर रही हैं या आपने ये फेज क्रॉस किया हुआ है, तो आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ कि जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, बेबी का इतना ज़्यादा हलचल नहीं होता था, लेकिन ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे बेबीज काफ़ी एक्टिव हो जाते थे। मैं एक ट्विन मॉम हूँ, सो मैं बेबीज कह रही हूँ। अगर आपका सिंगल बेबी होगा तब भी आपको एक ये रूटीन पता लगेगा। इसके आगे मैं जॉब पे जाती थी, थोड़ा बिजी रहती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं होता था मूवमेंट अपने बेबीज़ का। लेकिन लंच के बाद, फिर से स्पेशली जब मैं आफ्टरनून नैप लेने की कोशिश करती थी, बस दोनों बच्चे काफ़ी एक्टिव हो जाते थे। अब मैं अगर ट्विंस की बात करूँ तो दोनों बच्चों में भी डिफरेंस होता है। मतलब जैसे मेरा ट्विन ए काफ़ी ज़्यादा हलचल नहीं करता था, वेयर एज ट्विन बी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। सो ये डिफरेंस भी आपको हो सकता है दिखे। इसके आगे फिर जब डिनर करती थी, उसके आगे मैं लेट जाऊं या फिर मैं सोने की कोशिश करूं, तब एक्टिविटी लेवल बहुत हाई होता था थोड़ी देर के लिए, मे बी 30 मिनट के लिए, और उसके आगे फिर बच्चे सोते थे। रात को भी कभी कभार वो करवट बदलते थे या रोटेट होते थे, आई कुड फील दैट। ठीक है, सो मूवमेंट बहुत ज़्यादा तब होते थे जब मैं खाना खाती थी कुछ, जब भी उनको वो न्यूट्रिशन या ग्लूकोज लेवल मिलता था, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। सो इस तरीके का एक रूटीन आपके बच्चे का भी होगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके का हो। हर बच्चे का, हर माँ का इस पूरे रूटीन को परसीव करने का तरीका या एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 7वें महीने के आगे, बाय द टाइम आप 8, 8.5 महीने के स्टेज में पहुंच जाती है अपनी प्रेगनेंसी के, आपको अपने बेबी के साथ वो जो कनेक्शन है ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बेबी एंड द टाइमिंग, इसका एक बहुत अच्छा क्रिस्प आइडिया हो जाता है। सो इसके आगे जैसे ही आपके बेबी का मूवमेंट कम होता है, आप वो पहली इंसान होती हैं जिसको एक स्ट्रेस सा हो जाता है कि क्या हुआ, कल तक तो इस तरीके का एक प्रीडिफाइंड रूटीन था, आज मूवमेंट्स में कमी क्यों है। सो स्ट्रेस होना तो लाजमी है अगर मूवमेंट कम हो जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, जब 7वें महीने, 7.5 महीने, 8वें महीने की शुरुआत में एक बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है, तो उसका साइज छोटा होता है और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा आपकी ज़्यादा होती है। एमनियोटिक फ्लूइड वो तरल पदार्थ है जिसमें बच्चा तैरता है, तो बच्चे के पास बहुत जगह होता है टू रोटेट अराउंड, टू मूव अराउंड, अपने हाथ पैरों को मारने के लिए उसके पास स्पेस होता है, रूम होता है। लेकिन इसके आगे आगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है और बच्चे का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, सो उसके पास जगह ही नहीं होती अब, ना वो फ्लूइडिटी होती है कि वो रोटेट कर पाए, ना वो स्पेस होता है कि पहले की तरह वो अपने हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा फैला पाए, और ट्विंस है तो फिर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड हो जाता है स्पेस उसके लिए।
इसीलिए आगे जाकर जब बच्चा 8-9 महीने के स्टेज में पहुंचता है, मूवमेंट कम हो जाते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो रूटीन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। मतलब पहले शायद आपको बहुत जोर से मूवमेंट फील होता हो, अब शायद आपको लगे कि बस एक सॉफ्ट सा मूवमेंट है, एक गुदगुदी सी है। लेकिन मूवमेंट जरूर होना चाहिए। मूवमेंट कम हो, दैट इज ओके, लेकिन मूवमेंट बिल्कुल बंद नहीं हो जाता, मूवमेंट रहता है और उसी रूटीन में रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा एक और बात भी है, मैंने अपने प्रेगनेंसी सीरीज के वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के वेट गेन का टाइम होता है जब, तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन काफी बढ़ जाती है। सो इस दौरान अगर एक माँ अच्छे से खाना ना खाए, ये भी एक वजह हो सकता है कि बच्चा लेथार्जिक हो जाए और ज्यादा मूवमेंट ना करे, क्योंकि उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सो एक माँ के लिए एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट रेगुलर इंटरवल्स में खाना बहुत जरूरी है। सो अगर मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, हो सकता है ये भी एक रीजन। बहुत ध्यान रखें कि आप टाइम पे खाना खाती रहें जब भी आपको भूख लग रही हो। अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि 4-5 घंटे बीत गए और आपको बिल्कुल ही बेबी मूवमेंट्स फील ना हो रहे हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो करना चाहिए कि आप अच्छे से कुछ खा लें, भरपेट कुछ खा, और फिर आप साइड लाइन में लेट जाएं, लेफ्ट साइड लाइन में, और हो सकता है 1-1.5 घंटे में आपको मूवमेंट्स फील हो जाए। इस पूरे सिनेरियो के दौरान आपको अपने डॉक्टर के कांस्टेंट टच में भी रहना है और उनको बताना है कि क्या आपको मूवमेंट फील हो रहा है या नहीं, और अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आगे अब क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बुलाएंगे अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल और एक जांच करेंगे आपकी अच्छी तरीके से, सो दैट उनको पता लगे कि आप और आपके बेबी का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो बच्चे की खैरियत मालूम करने के लिए हो सकता है आपको अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाना पड़े। जो भी डॉक्टर कह रहे हैं उस दौरान उनकी ज़रूर सुने और आगे एक अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए जो भी सलाह देते हैं आपके डॉक्टर, उसका भी आप पूरी तरह से तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे का मूवमेंट कम फील होने लगता है आफ्टर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और इसके आगे आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरीके के प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें। Thank you so much. See you again with another informative video. Till then, take good care.